नमस्कार अपनिजमा स्वागत अछि। शुरू करी कुकुर तिहारक प्रसंग से। आई तिहारक तेसर दिन कुकुर के पूजा का कुकुर तिहार मनायल जा रहल अछि। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन कुकुर के मीठ मीठ परिकार खा द क यमराज के गेट तक द्वारपाल के रूप में बैसे श्याम आ सबल नामक कुकुर यमलोक जाके रास्ता छोड़ देव के धार्मिक विश्वास अछि। वैवस्त मनवंतर के कुल में जन्मल कुकुर धर्मराज युधिष्ठिर के स्वर्ग यात्रा में समेत साथ देने धार्मिक विश्वास है। कुकुर के आज्ञापालक आ सुरक्षा में भर पड़े वाला घर पालुआ जानवर के रूप में लेल जाय छ। घर में कुकुर पालला से हृदय आ मधुमेह रोग नहीं लगत विश्वास से हो संख्या बढ़त जा रहल है। आई भोरे अरुणोदय काल में नदी आ तालाब में स्नान क तर्पण दिलाक बाद यमदीप दक्षिण घुमा कर बत्ती जलेलाक बाद मृत्यु पश्चात नर के दर्शन नहीं करे पड़त धार्मिक विश्वास के कारण नर चतुर्दशी में नहाय वाला विधि समेत रहल गौतम बतौलने। तहिना बत्ती बारि कर बगा वाला के नर में नहीं जा पड़त सेहो विश्वास रहल। काल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस। एहि दिन आयुर्वेद प्रवर्तक धनवंतरी धन के देवता कुबेर के जन्मोत्सव आ यमराजक पूजा सेहो कयल गेल। एकर संगे धातु के सामान खरीदबाक परंपरा समेत रहल अछि। एक रिपोर्ट। कार्तिक महीना के कृष्ण त्रयोदशी के धनतेरस मनाओल जाय छे। ई पावन दियावती औनाई के पूर्व सूचना दे छे। एहि दिन नया बर्तन खरीद करब शुभ मानल जाय छे। धनतेरसक दिन मृत्यु के देवता यमराज आ भगवान धनवंतरी के पूजा के महत्व सेहो रहल छे। एहि दिन आयुर्वेद प्रवर्तक धनवंतरी के आ धनक देवता कुबेरक जन्मोत्सव मनाओल जाय छे। स्वास्थ्य के स्थान धन से ऊपर मानल जाय छे। त्या दियाबाती में सबसे पहिने धनतेरसक महत्व देल जाय छे। धर्मशास्त्र में वर्णित कथा अनुसार समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथ में अमृत कलश ल क प्रकट भेल छल। भगवान विष्णु धनवंतरी के अवतार लेने छल। भगवान धनवंतरी के प्रकट हेबाक उपलक्ष्य में धनतेरस पावन मनाओल जाय छे। आई धनतेरस के दिन से आई के दिन में धनवंतरी भगवान के प्रादुर्भाव भेल रहे और धनवंतरी भगवान समुद्र मंथन के समय में नाना प्रकार के चीज सब उत्पन्न भेले। नाना प्रकार के धन सब ओत से अयले। लक्ष्मी जी स्वयं आयल छथिन। वही समुद्र से धनवंतरी भगवान के प्रादुर्भाव भेल। धनवंतरी भगवान भगवान के स्वयं अंश छथिन। धन कहल जाय छै शास्त्र में ब्रह्म वैवर्त महापुराण में नारायण अंशो स्वयं भगवान। धनवंतरी भगवान जे छथिन से नारायण के अंश छथिन और आयुर्वेद के प्रवर्तक छथिन। आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक धनवंतरी भगवान हिनके ल क आयुर्वेद में आज मनुष्य स्वस्थ छथिन। धनवंतरी भगवान के कृपा से संपूर्ण संसार स्वस्थ छथिन और एक दिन में लक्ष्मी के सेहो आगमन। वैसे तो कोजागरत पूर्णिमे से भ जाय छै लेकिन विशेष आगमन धनतेरस के दिन से होय छै और लक्ष्मी पूजा के दिन तक विशेष आगमन लक्ष्मी जी के रहै छथिन। आई धनवंतरी भगवान के रूप में काल खन काली के रूप में परसुखन लक्ष्मी जी के रूप में हुनकर प्रादुर्भाव होय छन और आई के दिन से नया नया भाड़ा बर्तन सब नया नया गरगहना ई सब किन के दिन शुरुआत भ जाय छै। तेना ही ए साल सुवर्ण सेहो किन के बढ़िया दिन छै। पीतल किन के बढ़िया दिन छै। तांबा यदि किनल जाय सेहो के लेल बढ़िया दिन छै। चांदी के लेल बढ़िया दिन छै। विशेष क के सुवर्ण के लेल सबसे नीक दिन मानल जा रहल छै। धनतेरसक दिन नेपालक मधेशक संगे भारत में नया नया भाड़ा बर्तन आ सोन चानी के गौड़ गहना किनबाक परंपरा छै। एहि क्षेत्र में समाजक उच्च मध्यम आ निम्न सब वर्गक व्यक्ति सब अपन क्षमता आ इच्छा अनुसार धातु के सामान खरीद करे छै। एहि दिन एना क धातु के सामान खरीद करबाक परंपरा के शुरुआतक विषय में कोनो निश्चित प्रमाण नहि छै। मुदा धनवंतरी के प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से भेल आ उत्पन्न होत काल ओ हाथ में अमृत से भरल कलश ल क अयला के कारण एहि दिन के भाड़ा बर्तन खरीदबाक लेल शुभ मानल जाय छै। मान्यता छै हिंदू धर्म अनुसार कि लक्ष्मी पूजा के शुरुआत धनतेरस दिन से होइ छै। आइ के दिन में किछ सोन चांदी या किछ एहन धातु किनला से आर्थिक रूप से जे छै से उन्नति होइ छै लोक के या धन बढ़ै छै तेहन एकटा मान्यता जस्ट तै के लेल किनल जाय छै। ई एगो परम्परागत शुरुए से चल आयल है जे आइ धनतेरस अइ ओहि दिन के धन घर में आबे ओहि के लेल लोग धनतेरस में
कोई भारे बर्तन भे गेल कुछो भी धन मतलब घर में आयलक कोई मतलब गाड़िए किनलक कोई मतलब अथी सोने चांदी किनलक वैसे ही वही के लिए परम्परागत ही एक आदमी किनलक तो वही के बदला में की होइ छै जे देखलक ओकरा ले तो वो दोसर आदमी वही देखा सीन से सब आदमी वैसे ही धनतेरस में सामान किनने लगी एक चीज रहा और बाजार में भीड़ भाड़ भी वही ढंग से हो रहा। धनतेरसक दिन अपन सामर्थ्य अनुसार कोनो चानी अथवा और धातु खरीदवाक बहुत शुभ मानल जाए छै। एकर संगे अइ दिन आभूषण सहित सेहो किनबाक परम्परा छै। आजकल मोटरसाइकिल मोबाइल साइकिल सहितक धातु से बनल सामान आ यंत्र सेहो अइ दिन खरीद करबाक परम्परा बढ़ लागल छै। एकर संगे धनतेरसक दिन संध्या काल में यमराज के इंकित क एकटा दिया बारि क घरक दुहारि पर राखल जाए छै। यमराज के घर भीतर नहीं पैसा आ ककरो दुख नहीं देव पूजा कैल जाए छै। तैं ई पावनि के स्वास्थ्य आ दीर्घायु संग सेहो संबंध रहल अछि। धनतेरस पावनि संग जुड़ल गेल एकटा लोक कथा सेहो रहल छै। कोनो समय राजा हिमालय के एक ज्योतिषी ओकर बेटा के विवाह भेला चारि दिन में सांप काटि के मृत्यु हेबाक कहने छल। तै दुआरे विवाह पश्चात हुनक कनिया पति के बचेबाक हेतु गहना गुड़िया के बड़का पहाड़ बनौने छल, जाहि पर सांपक रूप में आयल यमराज चढ़ नहीं सकल आ यमराज खाली हाथ घूरल छल। एना क राजकुमारी अपन पति के जीवन रक्षा कयने छल। इहे घटना बाद लोक सब अपन अपन घरक सदस्य के आयु आरोग्य आ सुख समृद्धि के लेल धनतेरसक दिन साँझ में यमराज के बाट छेक क दुहारि पर दिया बारे छै। आर्य संस्कृति में स्वास्थ्य के धन सम्पत्ति से महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में लेल जाए छै। त्या समृद्धि के देवी लक्ष्मी के उपासना से पहिने यमराजक उपासना कैल जाए छै। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। जनकपुर धाम स्थित जानकी वृद्धाश्रम में रहल वृद्धा सब के लत्ता कपड़ा सहित सामान वितरण कैल गेल अछि। दीपावली आ छठ पावन के अवसर राखि काल्हि आश्रम के संचालिका सीता अधिकारी लत्ता कपड़ा चप्पल सहित सामान वितरण कैलनि अछि। आश्रम में रहल वृद्धा सब के भोजन सेहो कराओल गेल छल। हाम्रो घर घर परिवार में सबले आफ्नो घर में रमाइलो गरेर सबले आफ्नो घर को परिवार लत्ता कपड़ा दिए मनाउँछन् भने अब म चाहिँ यही आश्रम में काम गरेको नाताले मेरो आमाहरु जस्तो भएर मैले आफ्नै यो वृद्ध आश्रम मेरो आफ्नै परिवार हो भनेर म आमाहरुलाई लत्ता कपड़ा दिए रमाइलो गरेर अनि म मनाएको छु। विभिन्न कारण आ बाध्यता से घर परिवार से अलग रहल वृद्धा सबके दीपावली आ छठ पावन में खुशी देबाक लेल लत्ता कपड़ा वितरण केने संचालिका अधिकारी बतौलनि। वृद्धाश्रम में एखन 15 गोटे रहल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। देश संघीय संरचना में गेला बाद प्रदेश नंबर 2 सहित तराई मधेश के समेत आब पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित कर अतुका युवा सब आगा बढ़ल अछि। तराई मधेश प्रतिनिधित्व करय वाला देश विदेश में विभिन्न पेशा में रहल युवा सब एहि कार्य में अग्रसरता देखौलक अछि। एक रिपोर्ट। देश संघीय संरचना में गेला के बाद प्रदेश नंबर 2 सहित तराई मधेश में रहल धार्मिक धरोहर आ गंतव्य सब के साथे मधेश के समेत आब विश्व पर्यटक सभक लेल आकर्षण के केंद्र बनाब अतुका युवा सब अग्रसरता देखौलक अछि। एहि काज में देश के मात्र नहीं भ विदेश में समेत रहल मधेश के युवा सब के अग्रसरता देखल जा रहल अछि। अमेरिका में रहल जनकपुर के युवा सभक संस्था कोड फॉर नेपाल स्थानीय विभिन्न संस्था सभक सहजीकरण में किछु दिन पूर्व सँ विजिट जनकपुर .com आ डिजिटाइजिंग जनकपुर अभियान शुरू कऽ चुकल अछि। तहिना अमेरिका में रहल किछु युवा सब के लगानी आ पहल में विजिट मधेश नेपाल अभियान पर्चा के बिरगंज सँ शुरुआत कयल गेल अछि। त्यसै गरेर म पनि परिचय गर्न चाहन्छु। फेरि पनि सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार र यो कार्यक्रममा स्वागत। म ओम प्रकाश। अहि अभियान में प्रदेश के 8 जिल्ला मात्र नै भक चितवन मकवानपुर रूपन्देही नवलपरासी कपिल वस्तु सुनसरी मोरंग आ झापा सहित तराई मधेश के 22 जिला के पर्यटन संभावना बोकने धरोहर सब के इंटरनेट में प्राथमिकता मिलाब आ विश्व पर्यटक माझ चिन्हाब के अभियान स्वरूप विजिट मधेश नेपाल अभियान शुरू कयल गेल अछि। एहि अभियान में अमेरिका में रहनिहार मधेशी युवा सब अमित शाह डॉक्टर विनोद शाह सुनील शाह सत्येंद्र शाह आ राज सर्राफ रहल छथि त नेपाल में
सहजीकरण के जिम्मा बीरगंज के युवा नेता ओम प्रकाश सर्राफ के देल गेल अछि। बीरगंज में अभियान के उद्घाटन करैत प्रदेशक उद्योग पर्यटन तथा वन राज्य मंत्री सुरेश कुमार मंडल मधेश में पर्यटन के लेल महत्वपूर्ण रहल स्थल आ धरोहर सबके मार्केटिंग कर सकल गेल त सफलता आर्थिक सम्पन्नता संभव रहल धारणा रखलन। युरोपबाट अमेरिकाबाट आउने पर्यटकहरूको सेड्युलमा मधेश पहिले पर्छ, यो मुख्य कुरा हो। काठमाडौँ आउने बित्तिकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जुन किसिमको वातावरण हेर्छन् उनीहरूले, खास गरी ट्याक्सीवालाहरूको, त्यसपछि एयरपोर्टका कर्मचारीहरूको व्यवहार, त्यहीबाट निगेटिभिटी सुरु हुन्छ, दिक्कतता सुरु हुन्छ। मलाई लाग्छ केही कुराहरू त्यहाँ पनि सुधारको आवश्यकता छ। त्यसपछि ट्याक्सीवालाले जुन एउटा बार्गेनिङ गर्छ, मलाई लाग्छ त्यो वेलकमिङ इन्भाइरोमेन्ट होइन, त्यो एउटा अतिथिलाई सत्कार गर्ने संस्कार त्यो होइन। राज्य मन्त्री मण्डल पहाडमे रहल पर्यटन स्थल सबके मार्केटिंग ट्याक्सी चालक सब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले स शुरू कर रहल बात मधेश के युवा सबके समेत बुझ धारणा रखने छलन। ओ मधेश के पर्यटन के केन्द्र सबके पर्यटक के शेड्यूल में केना के पारल जाए, वही के लेल प्रचार प्रसार आवश्यक रहल कहित अभियान के सराहना कलेने छ। सकडा कसरी पार्ने, यसको निम्ति हामीले वातावरण बनाउनु पर्छ र त्यसको निम्ति हामीले पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट, पोजिटिभ फ्लेभर दिन सक्नुपर्छ, त्यो भएको छैन। हामी आफ्नो चिजलाई आफै धेरै नकारात्मक प्रचार गर्न सिकाएको छौँ। मलाई लाग्छ हामी यहाँ अलिकति आफ्नो करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अभियान के उद्घाटन समारोह में बज्ने मधेश मामिला जानकार चंद्र किशोर झा, मधेश विविधता पूर्ण रहला सा अनेको संस्कृति आपन अपन ठाम के अलगे महत्व रहला सा गौन रहल स्थानीय स्रोत साधन आ विशेषता सबके मात्र प्रचार प्रसार कैल जाए त पर्यटन के विकास विभाग धारणा रखलन। विविधता चाहिँ यहाँ नेपालमा जो छ त्यो झै मधेसमा छ। राई पनि छ, मधेसी पनि छ, थाल पनि, मुस्लिम पनि, सन्थाल पनि, कोच पनि, विविधता छ हाम्रो भित्र, भाषाको धारमा अवधमा आफ्नै संस्कृति छ। प्रतिष्ठित व्यापारी समेत रहल बीरगंज महानगरपालिका प्रमुख विजय कुमार सरावगी पर्यटन क्षेत्र एकटा व्यापारे रहला सा 100% जेडीपी में ग्रोथ करबाक दावी कलेने छ, ओहि के लेल पूर्वाधार विकास करनाई आवश्यक रहल हुना कहब छलन। बिजनेस हो, टूरिज्म को सेक्टर यो 100% जीडीपी लाई ग्रोथ गराउँदो रहेछ। यसमा तपाईले चाहिँ इम्पोर्ट के चीज गर्नु पर्दैन, ठीक छ, त्यसका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि तपाईले केही साधनहरू ल्याउनु पर्न सक्छ होला, तर त्यसपछि 100% गयो। अहिले बिरगंजमा टुरिज्म कहाँ गरौँ गर्दा गर्दा लास्टमा एउटा मैले अस्ति ज्यादा खेलेको बिरुवा गाउँपालिका कार्यक्रममा उपस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासक महावाणिज्य दूत विशी प्रधान मधेश आ मधेशी के आर्थिक स्तर पर्यटन क्षेत्र से उठत त्या भारत सरकार मधेश के पर्यटन विकास में केहनो सहयोग करबाक आश्वासन देने छ। 1 to 2 million people give the potential of Nepal, its tourism is extremely marginal. There is a huge growth potential. I feel that enough work has, the minimal work has not been done to provide the connectivity, the road connectivity, the air connectivity. अभियान में प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला मात्र निभ मधेश के 22 जिला के युवा सब के अभियानी के रूप में जोड़ल गेल संयोजक ओम प्रकाश सर्राफ धारणा रखलन। कार्यक्रम में अमेरिका से अभियानी राज सर्राफ वीडियो कॉन्फ्रेंस से अभियान के विषय में सहभागी सब के स्पष्ट केने छलन। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह जनकपुर धाम। सरकार सब प्रदेश में प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल स्थापना करबाक योजना आगा घुसकोलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव सब प्रदेश में प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल स्थापना करबाक योजना सार्वजनिक कयलनि। राष्ट्रीय आरोग्य दिवस तथा धनवंतरी जयंती के अवसर पर काल्हि काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ प्रादेशिक अस्पताल सब प्रदेश में स्थापना करबाक लेल मंत्रिपरिषद बैसार में प्रस्ताव राखल गेल सेहो जानकारी देलनि। आयुर्वेद अस्पताल में लगानी करबाक लेल सरकार उपयुक्त वातावरण निर्माण करबाक तैयारी कर रहल राज्य मंत्री यादवक कहब अछि। भर्खर चाहिँ हिजो नै हामीहरू फेरि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रादेशिक एउटा राम्रो अस्पताल बनाउने
साप्ताहिक प्रदेशमा जसले राम्रो मेसेज जाओस् र हस्पिटलको राम्रो मात्र आयुर्वेदको अस्पताल आजको यस राज्य मन्त्री यादव सब गाउँपालिकामा सेहो आयुर्वेद अस्पताल स्थापना गर विलम्ब नै गर्बाक बतौलनि ओ आयुर्वेद क्षेत्रमे जनशक्ति नै पहुँचला छ एकर उचित व्यवस्थापनके लेल आवश्यक तयारी भ रहल छ बतौलनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पावनबाद सरकार काज गति लेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहल वरिष्ठ नेता नेपाल बरसात समय सम्पन्न भेलासँ आब सरकार विकास निर्माणके काजके तीव्रता देबाक सेहो दावी कयलनि काल्हि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनक चियापान कार्यक्रममे सहभागी भेल ओ सरकार जनताक समस्याके सम्बोधनमे विलम्ब नहि करबाक दावी समेत कयलनि वरिष्ठ नेता नेपाल सरकार जनताके अपेक्षा अनुसार काज आगाँ बढेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि आरामले रोप्छ बिरामो हुन्छ रिल्याक्स हुन्छ त्योभन्दा पहिले बरसातको मौसम पनि थियो अब यो सबै सकियो सकिन्छ सकिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा गियर त बढ्छ नै काम गियर नबढाएर उपाय पनि छैन गियर त अलिक चेन्ज भइरहेछ यस्तै ढङ्गले गियर चेन्ज होस् गति प्राप्त होस् छिटो छिटो काम होस् भन्ने हाम्रो चाहना यो अझै मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छैन नेता नेपाल सरकारक काजके मूल्याङ्कन करबाक समय नै भेल टिप्पणी समेत कयलनि जनताक समस्या समाधान कऽ कऽ आगाँ बढ़बाक विकल्प नै रहल सेहो हुनक कहब अछि अपन समाचारमे फेरसँ व्यावसायिक विश्राम विश्रामक बाद आब समाचारक बाँकीके प्रसङ्ग सब श्रीमान मलेशियामे दोसर विवाह केला बाद करजना नगरपालिका वार्ड 11के 35 वर्षक अरहुलिया महतो समस्यामे पड़ल अछि करीब 15 वर्षसँ मलेशियामे रहैत आयल 38 वर्षक श्रीमान किशुनलाल महतो ओतहि इंडोनेशियन लड़की सङ्ग विवाह केला बाद अरहुलिया आओर समस्यामे पड़ल अछि करीब 17 वर्ष पहिने सामाजिक परम्परा अनुसार करजना नगरपालिका वार्ड 6 बेतहाके अरहुलिया आ ओहि नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 बघाक किशुनलाल महतो बीच विवाह भेल छल विवाहक 2 वर्ष बाद किशुनलाल कमाएके लेल विदेश गेल छल फिरता अयबाक आशामे रहल समय श्रीमान विदेशमे दोसर विवाह कयने खबर सुनला बाद अरहुलियाक पीड़ा आओर बढ़ल अछि अरहुलियाक आब आज सहितक कानूनी लड़ाईके लेल नागरिकता बनेबाक प्रयास शुरू कयलनि अछि मुदा वार्ड अध्यक्ष कपिल यादव नागरिकताके लेल सिफारिश देबा नहि मान्य सामाजिक अभियन्ता सरोज राय बतौलनि अछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बजेट अभावक कारण तोकल गेल समयमे निर्माण कार्य सब सम्पन्न करऽ नहि सकल स्पष्ट कयलक अछि महासंघ काल्हि काठमाण्डूमे पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ निर्माण कार्य सब बजेट अभावक कारण तोकल गेल मितिमे सम्पन्न करऽ नहि सकल स्पष्टीकरण देलक अछि सरकार समयमे बजेट उपलब्ध कराबऽ नहि सकलासँ निर्माण कार्य सब समयमे सम्पन्न करऽ नहि सकल महासंघक अध्यक्ष रवि सिंह दावी कयलनि ओ बजेट नहि भेल आयोजना सेहो सरकार स्वीकृत केला बाद तोकल समयमे सम्पन्न करऽ कठिनाइ भेल सेहो स्मरण करौलनि अछि अध्यक्ष सिंह सरकार बजेट नहि देबाक मुदा जनता समयमे काज नहि केने कहिकऽ व्यवसायीके आलोचना कऽ रहल कहैत उपराग समेत रखलनि आम जनतालाई पनि यो कुराहरू हामी उजागर गर्न चाहन्छौँ हाम्रो कारणभन्दा पनि अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ निर्माण कार्यहरू समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको गुणस्तरीय हुन नसकेको हिजोको दिनमा जुन धेरैजना सभासदज्यूहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रलाई प्रभावित गर्नको लागि आयोजनाहरू लानुहुन्थ्यो बजेट होस् नहोस् रातो किताबमा पर्ने 200 करोडको आयोजनाहरूमा 50-60 लाख 80 लाख 1 करोड 1.5 करोड विनियोजन गर्ने र धेरै साथी धेरै मान्ने त्यो सभासदज्यूहरूलाई खुसी पार्ने काम चाहिँ मन्त्रालयले गर्थ्यो किन भन्दाखेरि हिजो चाहिँ संयुक्त सरकार थियो त्यो संयुक्त सरकारमा सबै महासंघ सार्वजनिक खरीद ऐनके व्यवसायी मैत्री बनाबऽ सेहो सरकारसँग माँग कयलक अछि अध्यक्ष सिंह सार्वजनिक खरीद ऐनके दुरुपयोग कऽ किछु व्यवसायीके मात्र ठेक्का पड़ैत आयल कहैत महासंघ ओना होबऽ नहि देबऽ सेहो सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन विषयके आगाँ बढ़ाबऽ पड़ल स्पष्ट कयलनि अछि व्यवसायी सब चायक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार प्रवर्धनमे जोर देबऽ सरकारसँग आग्रह कयलक अछि चाय उद्योगी तथा नेपाल उद्योग परिसंघक वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिश कुमार भोर चायक अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनमे जोर देबऽ सरकारसँग आग्रह कयलनि अछि काल्हि काठमाडौँमे भेल कार्यक्रममे ओ नेपाली चायके भारत ब्राण्ड बनाकऽ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमे निर्यात कऽ रहल कहैत ओहिके रोकऽ सेहो सरकारसँ विलम्ब नहि कयल जेबाक स्पष्ट कयलनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोर नेपालक समृद्धिमे चायक निर्यातसँ नीक योगदान दऽ सकबाक कहैत एकर विकासक लेल सरकारसँग सहकार्य कऽ आगाँ बढ़बाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि
पोखरा प्रीमियर लीग पीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि के लिए आई घरेलू टोली पोखरा पल्टन आ चितवन डायनोज बीच प्रतिस्पर्धा है। पोखरा रंगशाला में हो वाला फाइनल में पोखरा पल्टन आ चितवन डायनोज में से कोनो एक टीम पहिल बेर आयोजन के ने पीपीएल के उपाधि जीत। कप्तान पारस खड़का के कप्तानी में रहल चितवन आ शरद भेसवाकर के कप्तानी में रहल पोखरा आमने सामने भ रहा है। ऐसा पहले चितवन डायनोज एलिमिनेटर खेल में काठमांडू रॉयल्स के 6 विकेट पराजित कर फाइनल में प्रवेश कलक है। इम्हर पोखरा लीग चरण के खेल में शीर्ष स्थान में रहे तो फाइनल में प्रवेश कलक है। पोखरा लीग चरण के 5 खेल में 3 खेल में जीत आ 2 में हार भोगने छल, लेकिन नेट रन रेट के आधार में पोखरा शीर्ष स्थान में रहल है। पीपीएल के विजेता के 27 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त है, तहिना उपविजेता के 10 लाख प्राप्त है। प्रतियोगिता के मैन ऑफ द सीरीज उत्कृष्ट बैट्समैन आ उत्कृष्ट बॉलर के सुजुकी जिक्सर 155 सीसी के बाइक प्राप्त है। बेस्त अपन समाचार एखन लैत पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।